मैं आज पहुंची हूँ निज़ामुद्दीन के पास, दमदमा साहिब के साथ में। बिल्कुल एक रोड ये देखिए आ रही है यहाँ से, दमदमा साहिब उस तरफ है और बिल्कुल मेरे पीछे है आरबी फार्म्स। ये आरबी फार्म्स की एंट्रेंस है। यहाँ पे बोर्ड तो नहीं लगा हुआ बट लेकिन इस जहाँ पे ये वॉल आप देख रहे हैं, इस ये एरिया यहाँ से आरबी फार्म्स का है। आरबी ऑर्गेनिक फार्म्स जो कि बेसिकली कड़कनाथ मुर्गियों में डील करते हैं और कुछ आई थिंक इसमें प्लांट्स वगैरह भी उगाए जाते हैं। और अगर किसी को ऑर्गेनिक अंडे चाहिए हैं तो यहाँ आके अंडे ले सकते हैं। और यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं जो इसको चलाते हैं उनका नाम है मिस्टर संजय सिंह। ये देखिए ये है एरिया जो कि बिल्कुल फार्म की एंट्रेंस के साथ में है। एंड ये जो रोड है बिल्कुल रोड सीधा अगर आप उस तरफ जाएंगे तो दमदमा साहिब आता है। इट्स वेरी नाइस, वेरी ग्रीन, वेरी प्रिटी। इनके पास बहुत ही सुंदर कड़कनाथ मुर्गी और मुर्गियाँ हैं। आप भी आइए और ऑर्गेनिक खाना खाइए। वेरी प्रिटी फार्म, आई लाइक इट वेरी मच। देखिए यहाँ पे गाय भी बंधी हुई है। इट्स अ टिपिकल फार्म एंड दीज आर लवली रूस्टर्स। बड़े सुंदर रूस्टर्स हैं और कड़कनाथ की जो इतनी अच्छी शाइन दे रहे हैं। ये देखिए और ये होम स्टेड है जहाँ पर इनका वर्क एम्प्लॉयज रहते हैं। ये जगह एक बहुत अलग सी लुक देती है, लगता नहीं है कि जैसे दिल्ली का हिस्सा है। नहीं, आपकी भी एक लेनी चाहिए ना। ये मिस्टर सिंह है जो कि यहाँ का फार्म चलाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कितना ग्रीन है ये फार्म और इतना हरा और सुंदर दिखाई दे रहा है। ये है आरबी फार्म्स, ये है दमदबा साहेब के पास जहाँ पे एक और यू नो मुर्गियाँ क्या कहते हैं ये कड़कनाथ मुर्गियाँ बेची जाती हैं और कुछ सब्जियाँ और फल वगैरह भी उगाए जाते हैं। दिस इज़ राइट नेक्स्ट टू दमदमा साहिब। दमदमा साहिब इज़ जस्ट अक्रॉस। इट्स अ ह्यूज फार्म, ह्यूज एरिया एंड दिल्ली में जो रहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ मिस्टर संजय सिंह हैं जो प्रोप्राइटर हैं यहाँ के इस फार्म के और वो यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। अगर किसी को मुर्गी ख़रीदनी है या फिर अंडे ख़रीदने हैं तो वो भी मिल सकता है। और इस समय इतना ग्रीन लग रहा है कि इसको देख के दिल खुश हो रहा है। ये शायद धान उगाया हुआ है यहाँ पे, आई थिंक चावल हैं। ये देखिए, यस दिस इज़ राइस। एज़ यू कैन सी दिस इज़ राइस ग्रोइंग आउट हियर। वेरी नाइस एंड ग्रीन, बहुत सुंदर है ये। और इधर शायद इन्होंने गोभी या ऐसे कुछ लगाया हुआ है। यस, ये तो पालक लग रही है, पालक एंड गोभी लग रहा है यहाँ पे इस पूरा। एक मुर्गी यहाँ पे घूम रही है और ये पेड़ के नीचे इतनी सुंदर दिख रही है। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, हरा हरा। गुड आफ्टरनून सबको। मैं आज आई हूँ आरबी ऑर्गेनिक फार्म जो कि दमदबा साहिब जो निज़ामुद्दीन में गुरुद्वारा है उसके पास है। और अगर आप ये देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी कड़कनाथ मुर्गी और मुर्गियाँ हैं। और ये फार्म जो है बेसिकली एक ऑर्गेनिक फार्म है जो इनमें डील करता है। तो आप देखिए इसमें स्पेशलाइजेशन ही सिर्फ कड़कनाथ मुर्गियों की है। और ये फार्म काफ़ी सालों से यहाँ चल रहा है और यहाँ से आपको मुर्गियाँ भी ख़रीदने को मिल जाती हैं और साथ में इनके अंडे जो कि कड़कनाथ के अंडे बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं वो भी मिल जाते हैं। एक अंडा अभी एक मुर्गी ने दिया है जस्ट, ये देखिए यहाँ पे चल रही हैं और इतनी स्वीट सी हैं। अगर आप देखें तो ये मुर्गी का जो अंडा होता है ये छोटी साइज़ में होता है और हल्का क्रीमिश कलर का होता है और बहुत हेल्दी माना जाता है ये अंडा।
इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ये ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल में है। तो कड़कनाथ के अंडे हेल्दी हैं, सबको खाने चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके जहाँ स्पेस है तो आप इन्हें पालिए और अपने घर में रखिए, जो बहुत अच्छे पेट्स भी बनते हैं। ये देखिए इतनी सारी मुर्गियाँ हैं यहाँ पे, सब इकट्ठी रह रही हैं। ये मुर्गियों के खाने और पानी के लिए कंटेनर्स टंगे हुए हैं और इन्हें जो है बहुत अच्छा हेल्दी खाना मिलता है इन सबको, और इसमें ही खाना डाला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये इनका फीडर, प्लास्टिक फीडर्स हैं, और ये पानी के लिए है। इसके अंदर प्री पैक्ड खाना इनको दिया जाता है, जो जिसके अंदर मेडिसिंस वगैरह भी होती हैं। और इनको फिर हरी सब्ज़ी जैसे पालक हो गई या फिर और कोई हरे पत्ते जो होते हैं वो इनको खाने में दिए जाते हैं, तभी ये इतनी हेल्दी रहती हैं। मैं आज यहाँ से एक मुर्गा और मुर्गी ले जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एज यू कैन सी, मिस्टर सिंह ने एक मुर्गी पकड़ ली है। ये मुर्गा है जो उनके हाथ में है, और अभी मेरे लिए एक मुर्गी पकड़ी जा रही है जो मैं अपने घर में रखूँगी एज बतौर पेट्स, एंड होपफुली मुझे अंडे भी खाने को मिलेंगे उनके। देखिए कितनी सुंदर हैं ये, इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। See how pretty this is looking. Lovely farm, very nice and green. ये जो दो मुर्गे मुर्गियाँ जा रहे हैं ये मैंने खरीदे हैं आज। आप भी आइए यहाँ और अपने पेट्स लेकर जाइए या फिर अंडे खरीद के जाइए।